नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं और गूगल पे एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है और उस मोबाइल पर आप जो है ऑलरेडी अपना बैंक अकाउंट वगैरह नंबर वगैरह डाल के आप UPI जो है वो ID बना चुके हैं गूगल पे के माध्यम से, तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल पे से किस तरीके से किसी नंबर पर आप पेमेंट्स कर सकते हैं। आपको पता होगा कि गूगल पे के माध्यम से आप किसी का QR कोड स्कैन करके भेज सकते हैं, आपके कॉन्टेक्ट में कोई है अगर वो गूगल पे इस्तेमाल कर रहा है तो उसको आप जो है वो भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI ID से भेज सकते हैं और एक तो बैंक डिटेल भरने के बाद उससे भी भेज सकते हैं, और एक तो ये होता है कि अगर आपका नंबर किसी का लिए है और उस नंबर पर हमें गूगल पे करना है तो वहां से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल पे के माध्यम से किस तरीके से आप किसी के नंबर पर उनको पेमेंट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, A to Z में बताऊंगा। हमारे वीडियो में इस दौर में बने रहिएगा। तो देने करते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको गूगल पे से किसी को पैसा भेजना है नंबर की मदद से, अगर किसी का नंबर है उसको गूगल पे करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो पहले आपको गूगल पे पे सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए, तो गूगल पे पे रजिस्टर मैं यहाँ पे खोल लेता हूं। जैसे यहाँ पे खोलता हूं, आपके सामने कई सारे इंटरफेस आते हैं। इस इंटरफेस में आप जो है टॉप पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई QR कोड स्कैन करें, कॉन्टेक्ट टू पे, फोन नंबर एंड बैंक ट्रांसफर। तो आपको कैसे करना है, तो मुझे क्या करना है, फोन नंबर से करना है। तो मैं यहाँ पर फोन नंबर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही फोन नंबर पे क्लिक करता हूँ, आपका यहाँ पर नंबर मांगेगा। तो नंबर मैं डालता हूँ 9899846735। तो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है जिसके नाम से है वो आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर संदीप प्रजापति का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जो अगर आपका नंबर डालेंगे तो वो गूगल पे पे होंगे तो वो गूगल पे पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गूगल पे पे क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने जो है एक नीचे इंटरफेस आता है, नीचे आता है पे और पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि पे पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे जो पे दिख रहा है यहाँ पर आपको पे पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं पे पे क्लिक करता हूँ। पे पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है एक नया इंटरफेस आता है, और नया इंटरफेस आता है आपको कितना रुपया पे करना है। यहाँ पर आ गया साई डिपार्टमेंट स्टोर और यहाँ पर जो है पे करना है। तो जितना रुपया आपको पे करना है वहाँ पे आपको डबाना है। तो मुझे 115 रुपये पे करना है, तो मैं 115 डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ किराना लिया था, किराना सामान लिया था, तो मैं यहाँ पर जो है किराना डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको डालने के बाद यहाँ पर एक देखिए डॉट बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है नीचे आपके बैंक्स ऑप्शन आ जाएंगे, बैंक्स ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितने बैंक्स हैं उतने बैंक्स के जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। तो मुझे क्या करना है कि एक्सिस बैंक से क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी जिसको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पर पे करें, तो यहाँ पर पे पे क्लिक करता हूँ। जैसे पे पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपका UPI पिन मांगता है। तो UPI पिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आपका जो पिन होगा वो आपको दबा देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर पिन दबा दिया। अब नीचे जाने के बाद यहाँ पर टिक का ऑप्शन आता है, यहाँ पर मैं टिक पे क्लिक करता हूँ। जैसे टिक पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने एक देखिए नया इंटरफेस आएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 115 रुपया जो है उनको चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही का टिक मार्क हो गया और यहाँ पर पेमेंट कर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं उनके साथ या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं आप, तो आप जो है इस चीज को शेयर भी कर सकते हैं। यहां से शेयर का ऑप्शन आता है, किसी को अगर ये भेजना है तो नीचे शेयर का ऑप्शन आता है, यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप पे जाकर अगर किसी को भेजना है जिनका है तो मैं उनको भेजता हूं, किराना स्टोर है, तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं और यहां से जो है आपको यहां से क्लिक कर देना है, तो ये जो है उनको पेमेंट चला गया। तो इस तरीके से आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं और उनको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने, सिंपल स्टेप है, बस आपका जो है जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस को फॉलो करना है। और UPI ID इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आना चाहिए, जो कि वो जनरेशन होता है जब आप बनाते हैं ID, तो उस समय आपको देता है। तो उस तरीके से जो है आप ये सारी चीज़ें डालकर आराम से गूगल पे के माध्यम से अगर किसी को पेमेंट्स करना चाहते हैं, देन यू कैन डू इट बाय द हेल्प ऑफ द गूगल पे, तो आप इससे कर सकते हैं। तो ये लगा मुझे अपडेट देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नए यूजर्स आते हैं। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिएगा।